विश्वास हम होंगे कामयाब। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वॉल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फोर स्ट्रोक इंजन की वर्किंग वाला वीडियो जरूर देख लें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फोर स्ट्रोक इंजन में इंजन की प्रॉपर वर्किंग के लिए वॉल्व का सही समय पर खुलना और बंद होना वॉल्व टाइमिंग कहलाता है। अभी तक हमने यह सीखा था कि सक्शन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में जब पिस्टन टीडीसी पर होता है उस समय इनलेट वॉल्व खुलता है और क्रैंक शाफ्ट के आधा चक्कर बाद पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचते ही यह बंद हो जाता है, एवं एग्जॉस्ट स्ट्रोक के स्टार्टिंग में जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तब एग्जॉस्ट वॉल्व खुलता है एवं क्रैंक शाफ्ट के आधा चक्कर के बाद पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने पर एग्जॉस्ट वॉल्व बंद हो जाता है। अभी इस प्रोसेस को आप जिस डायग्राम के द्वारा देख रहे हैं उसे वॉल्व टाइमिंग डायग्राम कहते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वॉल्व को ठीक टीडीसी या बीडीसी पर खोलना या बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि वॉल्व को खोलने व बंद होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। इसलिए वॉल्व को अपने समय से थोड़ा पहले ही खोल दिया जाता है एवं बाद तक खुला रहने देते हैं। तो आइए वो इंजन की एक्चुअल वॉल्व टाइमिंग को समझते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लास्ट में यानी सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होने से पहले पिस्टन के टीडीसी पहुंचने से क्रैंकशाफ्ट के लगभग 25 डिग्री पहले ही इनलेट वॉल्व खुल जाता है, एवं सक्शन स्ट्रोक के लास्ट में पिस्टन के बीडीसी को पार करने के बाद भी क्रैंकशाफ्ट के लगभग 30 डिग्री घूमने तक खुला रहता है। इनलेट वॉल्व टीडीसी से 25 डिग्री पहले खुलता है और बीडीसी के 30 डिग्री बाद बंद होता है, यानी इनलेट वॉल्व क्रैंकशाफ्ट के लगभग 235 डिग्री घूमने तक खुला रहता है। इस समय कंप्रेशन स्टार्ट हो चुका होता है और कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने से लगभग 5 डिग्री पहले ही फ्यूल इंजेक्टर से डीजल का स्प्रे स्टार्ट हो जाता है और टीडीसी के क्रैंकशाफ्ट के 25 डिग्री घूमने तक चलता रहता है। डीजल स्प्रे के बाद डीजल का कंबशन होता है जिससे पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक के खत्म होने से पहले जब पिस्टन बीडीसी से क्रैंकशाफ्ट के लगभग 45 डिग्री दूर होता है उस समय एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद पिस्टन के टीडीसी को पार करने के 15 डिग्री बाद तक खुला रहता है। एग्जॉस्ट वॉल्व बीडीसी से 45 डिग्री पहले खुलकर टीडीसी के 15 डिग्री बाद बंद होता है, यानी एग्जॉस्ट वॉल्व क्रैंकशाफ्ट के लगभग 240 डिग्री घूमने तक खुला रहता है। तो डीजल इंजन की वॉल्व टाइमिंग के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इनलेट वॉल्व टीडीसी से लगभग 25 डिग्री पहले खुलता है और बीडीसी के लगभग 30 डिग्री बाद तक खुला रहता है। फ्यूल इंजेक्शन टीडीसी से लगभग 5 डिग्री पहले स्टार्ट हो जाता है और टीडीसी के बाद लगभग 25 डिग्री तक चलता रहता है। एग्जॉस्ट वॉल्व बीडीसी से लगभग 45 डिग्री पहले खुलता है और टीडीसी के 15 डिग्री बाद तक खुला रहता है। इस प्रकार इनलेट वॉल्व लगभग 235 डिग्री तक खुला रहता है और एग्जॉस्ट वॉल्व लगभग क्रैंकशाफ्ट के 240 डिग्री घूमने तक खुला रहता है। यहां पर जो डाटा दिया गया है वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सभी कंपनियां अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन वॉल्व को अधिक समय तक क्यों खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनलेट वॉल्व की। इनलेट वॉल्व को टीडीसी से पहले खोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिश्रण का सक्शन हो सके, क्योंकि वॉल्व को खोलने में कुछ ना कुछ समय तो लगता ही है, इसलिए पहले से खोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब चार्ज इनलेट वॉल्व से आ रहा होता है तो उसमें एक मोमेंटम बन जाती है।
अगर हम उसे अचानक रोक देंगे तो उसमें एक बैक प्रेशर क्रिएट होगा और जो फ्यूल आ रहा है वो पीछे वाले फ्यूल को धक्का देगा और बैक प्रेशर की शिकायत हो सकती है। इसलिए इनलेट वाल्व को बीडीसी के बाद भी खोल के रखते हैं। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व की। एग्जॉस्ट वाल्व को अधिक समय तक खोलने से जली हुई गैसें ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। हालांकि जब एग्जॉस्ट वाल्व टीडीसी के बाद भी खुला रहता है तो कुछ फ्रेश चार्ज भी एग्जॉस्ट गैसों के साथ बाहर निकल जाता है, परंतु यह क्वांटिटी बहुत कम होती है और इसका फायदा यह होता है कि फ्रेश चार्ज के बाहर निकलने से सिलेंडर जली हुई गैसों से पूरी तरह खाली हो जाता है। साथ ही फ्यूल इंजेक्टर द्वारा भी डीजल स्प्रे टीडीसी से पहले स्टार्ट करते हैं और टीडीसी के बाद तक स्प्रे होता रहता है, क्योंकि अगर डीजल को एक साथ ही स्प्रे कर देंगे तो फ्यूल का प्रॉपर कम्बशन नहीं हो पाएगा। फ्यूल कम्बशन की पूरी प्रोसेस और फिनोमेना हम आने वाले वीडियोस में सीखते रहेंगे। वॉल्व टाइमिंग से संबंधित तीन और टर्म आपको याद रखने हैं। ये टर्म है वॉल्व लीड, वॉल्व लैग और वॉल्व ओवरलैप। वॉल्वों का समय से पहले खुलना वॉल्व लीड कहलाता है, यानी इनलेट वॉल्व का टीडीसी से पहले और एग्जॉस्ट वॉल्व का बीडीसी से पहले खुल जाना वॉल्व लीड कहलाएगा। वॉल्वों का समय के बाद तक खुला रहना वॉल्व लैग कहलाता है। इनलेट वॉल्व का बीडीसी के बाद और एग्जॉस्ट वॉल्व का टीडीसी के बाद भी खुला रहना वॉल्व लैग कहलाएगा। तीसरा टर्म है वॉल्व ओवरलैप। हमने देखा कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लास्ट में एग्जॉस्ट वॉल्व तो खुला ही रहता है, साथ ही टीडीसी से पहले ही इनलेट वॉल्व भी खुल जाता है। इस समय इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों ही खुले रहते हैं और यह तब तक साथ खुले रहते हैं जब तक टीडीसी के बाद एग्जॉस्ट वॉल्व बंद नहीं हो जाता। इसको ही वॉल्व ओवरलैप कहते हैं, यानी इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व का एक साथ खुला रहना वॉल्व ओवरलैप कहलाता है। तो यह विस्तृत जानकारी थी वॉल्व टाइमिंग डायग्राम और उससे जुड़े। तो अब समय है आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और वीडियो के लास्ट में दिए हुए आंसर से मैच करना है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, हमारे चैनल यस आई कैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।